भगवान, जब भी आप प्रकट होते हैं मेरे अंतर में प्रकाश होता है। आज मैं अपने पिता शिव के सम्मान की रक्षा करने हेतु बैठा हूँ, सहायता कीजिए भगवान। सैनिकों, सारे सूतों के नाम लिख लो। जो भी आज राज्यसभा में आवेदन लेकर आए हैं उनके नामों की कल मुझे आवश्यकता होगी। हमें आपका भय नहीं मदनजय महोदय। प्रथम मेरा नाम लिखिए, सूत वृषभान। लोहार कमल, लोहार कल्लू, सूत विशेषण, मदनजय महोदय ने मुझे आपकी सहायता हेतु भेजा है। सैनिकों, इन सूतों ने एक क्षत्रिय की हत्या की है। नहीं ग्राम रक्षक महोदय, नहीं, हमने इनकी हत्या नहीं की। हम हत्या क्यों करेंगे? उद्यक्ष महोदय हमारे साक्षी थे। बहुत पुरानी योजना है ये सूतों। एक क्षत्रिय की हत्या करने के पश्चात अब ये सूत सभा में ये कहेंगे कि इनकी साक्षी की मृत्यु हो गई। किंतु हस्तिनापुर के महाराज ने ऐसे अनेक असत्यों को जाना है
इस योजना से तुम लोगों को कोई लाभ नहीं होगा। प्रपंच है ये। उद्यक्ष महोदय की हत्या आपने की है। उद्यक्ष महोदय की हत्या आपने की है। किस प्रकार सिद्ध करोगे ये बात बालक? सिंह की दहाड़ के सामने चूहे की चूचू कौन सुनेगा? उद्यक्ष की हत्या के लिए सारे सूत समाज को दंड दिया जाएगा। सभी सूतों के नाम महाराज के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। नहीं ग्राम रक्षक महोदय, हम यहाँ साक्षी के लिए नहीं आए। हमें क्षमा कर दीजिए महोदय, हमें क्षमा कर दीजिए। किंतु इस बालक ने तो मुझ पे हत्या का आरोप लगाया है। नहीं महोदय, हम मानने नहीं करते। हमारा इस बालक या इसके परिवार के किसी भी सदस्य से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए महोदय। सूतो, पुरुष बनो। ऐसे स्त्री की भांति विलाप लेना शोभा नहीं देता। सारा समाज एकत्र एक साथ खड़ा होगा तो ऐसा अन्याय करने का कोई दुस्साहस नहीं करेगा। अरे मौन रहो किशन, सामर्थ्य के सामने किसी की नहीं चलती। हम भाई परिवार लेके बैठे, क्रांति करने का प्रण नहीं लिया हमने। पंद्रह मनुष्यों की हत्या का दंड केवल मृत्यु ही हो सकता है। तुम्हारे पिता को कल मैं अपने हाथों से मृत्यु दंड दूंगा। देखो भाइयों, इसके पुत्र ने पराक्रम करके जीवन दान दे दिया इस हत्यारे को। मेरी पुत्री की हत्या की है तुमने, मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। पापी है ये, अपराधी है। सूद समाज के नाम पे लाठी लगाया है इसने, मारो इसे। ऐसे व्यक्ति के साथ समाज में नहीं रहना है। जा भाई जा, अपने परिवार को लेके कहीं और चला जा। जीवन दान मांग लो, अधिकार मांगोगे तो तुम्हारे पिता को अवश्य मृत्युदंड प्राप्त होगा। कल प्रातः काल तुम अपराधी को प्रस्तुत करो, अन्यथा तुम्हारे पिता को दंड प्राप्त होगा। मेरे हृदय में अंधकार क्यों छाया हुआ है? कोई मार्ग भी नहीं सूझ रहा। क्या मैं वास्तव में दुर्भाग्य हूँ माता पिता के लिए? क्या कल रात के अमंगल संकेत मेरे कारण हुए थे भगवान?